माई डियर स्टूडेंट डोंट फॉरगेट अबाउट योर स्टडी. माई डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री ओके ट्रांजिशन एंशंट एंड टू मिडाइवल पीरियड. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज. लेट्स फाइंड आउट. आई होप यू कंप्लीटेड. You completed some pictures of ages, your stage ages like a babyhood, या infancy, childhood, teenage, adulthood, या old age. And second is the development of human body. And another question you have to fill up to know the importance life events in a sequence to understand how to happening in the previous stage of life affected the later stages. So my dear student, today we are going to discuss our second part of chapter first. This is heading is periodization of history. कि जो हमारा इतिहास है उसका समान जो समानीकरण या समय रेखा जो उसकी टेबल है जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स की जो स्टेजेस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल ही इन्फेंसी नाउ देन इज एडल्टूज टीनेजर चाइल्डहुड एंड नाउ यू अवर ओल्ड एज ओके. इन दिस वे अवर हिस्ट्री आल्सो क्लासिफाई या डिवीजन इनटू सो वेरियस स्टेजेस. सो फर्स्ट इज पेरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. सो लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय पेरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री का पेरियडाइजेशन है उसका मतलब होता क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट इट मींस टू से डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन. कि जो हमारी हिस्ट्री का जो डिवीजन है उसकी जो भाग है और उनकी जो अलग अलग टाइम पीरियड के जो उसके क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं पीरियडाइजेशन. अनदर क्वेश्चंस पुट अप फ्रॉम दिस पैरा बिकॉज इन दिस योर बुक व्हेन आई होप यू परचेज्ड योर कोर्स बुक. इन दिस कोर्स बुक पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री डिवाइडेड इंटू फाइव पैराज. सो वी हैव टू लर्न दीज पैराज इंटू ए क्वेश्चन फ्रेमिंग ओके. यू इजी फॉर यू लर्निंग ऑफ दिस पैरा या अबाउट द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. सो वी हैव टू प्रिपेयर सम क्वेश्चंस एंड वी हैव टू रिप्लाई दीज आंसर. दैट्स व्हाई यू कैन लर्न इन इजी वे. अनदर क्वेश्चन पुट अप की पीरियडाइजेशन मीन यू अंडरस्टूड. नाउ अनदर क्वेश्चन इज हाउ इज पीरियडाइजेशन हेल्पफुल. तो ये जो हमारी समय सारणी है या जो हमारी हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है अगर वो करने के बाद पीरियडाइजेशन करने के बाद वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है. सो लेट अस सी पीरियडाइजेशन हेल्प अस टू. ये जो हमें हेल्प करता है वो किस अकॉर्डिंग करता है. फर्स्ट है स्टडी एंड कंपेयर. सबसे हम स्टडी करेंगे कंपेयर करेंगे. किसको कंपेयर करेंगे द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स. कि जितनी भी हमारे जो विशेषताएं हैं कैरेक्टराइजेशंस है या क्वालिटीज हैं अपने जो टाइम पीरियड्स के डिफरेंट डिफरेंस तो उसकी हम स्टडी करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे. जैसे अपना एंशियंट टाइम है एंशियंट टाइम के बाद में मिडाइवल एज आई फिर अपना मॉडर्न पीरियड आया. तो इन दिस वे एंशियंट टाइम और जो अपना मॉडर्न टाइम है उसके बीच में जितनी भी स्टेजेस हमने कवर की तो उन स्टेजेस का एक दूसरे से ईच अदर जो अपना कंपैरिजन होगा ना उसी के बेस पे हमारी हिस्ट्री क्या है आगे बढ़ती जाती है. नाउ सेकंड पॉइंट. सो सेकंड इज नाउ द ऑर्डर इन विच इवेंट्स टुक प्लेस. और फिर हम उसका स्टडी करके उसका कंपैरिजन करके जो डिफरेंट टाइम्स हैं उनके फीचर्स का कंपैरिजन करके हम उसके जो ऑर्डर्स हैं इवेंट्स टू प्लेस मतलब इंसिडेंट्स जो घटनाएं हैं वो किस स्थान पे कैसे हुई है उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं. नाउ नो डिफरेंट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस. और जो हम फिर हम क्या करेंगे जो डिफरेंट चेंजेस हुए हैं अलग अलग जो वेरियस चेंजेस हुए हैं उन स्टेजेस के अंदर और उनके जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके जो विकास हुए हैं उस प्लेस टू प्लेस मतलब इन एंशियंट टाइम या इन हिस्ट्री में जो प्लेसेस उनके जो चेंजेस और डेवलपमेंट हुए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इन वेरियस फील्ड्स अक्रॉस द हिस्टोरिकल पीरियड. कि जितने भी हिस्टोरिकल पीरियड
पीरियड्स है, ऐतिहासिक जो हमारे पीरियड्स है उनको क्रॉस करते हुए जो जगह जगह जिस प्लेस के ऊपर जिन क्षेत्रों के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस और डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम अंडरस्टूड करेंगे, उसके बारे में हम क्लासिफाई करेंगे और हम देन वी गो अहेड। नाउ अनदर क्वेश्चन पुट आउट फ्रॉम दिस पैरा कि हाउ डिड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्लासिफाई द इंडियन हिस्ट्री। तो हमारा क्या था, जैसे पहले हमने नोमेडिक लाइफ, हमारे जो ह्यूमन बींग्स से अर्लियर ह्यूमन बींग्स से उन्होंने नोमेडिक लाइफ जी, नोमेडिक लाइफ वेयर दे आर लिविंग सराउंडिंग द फॉरेस्ट, दे आर लिविंग नियर बाय द वाटर बॉडीज, और आगे उन्होंने डिस्कवरीज की, उन्होंने फायर का डिस्कवरी किया, स्टोन का किया, स्टोन से और जो वुडन से थे उन्होंने अपने टूल्स बनाए, उन टूल्स से अपनी जो लाइवलीहुड है उसको उन्होंने स्पेंड किया, उन टूल से उन्होंने आगे जाके सो मेनी डिस्कवरीज दे फाउंड आउट। सो नाउ फिर अपना जैसे ही अपना जो ब्रिटिश एम्पायर आया, किंगडम आया अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो बाद में उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या 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 डेवलपमेंट किए, लेट अस सी। जो हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्लासिफाइड द इंडियन हिस्ट्री, कि जो उन्होंने इस हिस्ट्री को जो डिवीजन किया वो इस प्रकार है, लेट अस सी कि इनटू थ्री पीरियड्स, जो ब्रिटिश अपने जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने थ्री पीरियड्स में इसको डिवीजन किया, पहला हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड नाउ ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में इसको क्लासिफाइड तो किया, बट ऑल आर हैप्पी विद द क्लासिफिकेशन बाई द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, नो नॉट एट ऑल। इट मीन्स टू से व्हाट वर द मेन प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जैसे ही इन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमने हमारा जो क्लासिफिकेशन किया, क्या उससे जो हिंदू मुस्लिम और जो ब्रिटिश थे वो उनको कोई प्रॉब्लम्स या उनको फेस नहीं करना पड़ा, उन जो चेंजेस हुए, डेवलपमेंट्स हुए, तो क्या इन लोगों को उसको फेस नहीं करना पड़ा, लेट अस सी व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर। सो लेट अस सी व्हाट दे आर प्रॉब्लम्स। द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन डजंट स्लो शो द इकोनॉमी, तो जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे फेस्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, कि सबसे पहले जितना भी क्लासिफिकेशन किया गया था हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड, तो उस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि उन्होंने शो नहीं किया, उन्होंने ये बताया नहीं कि इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल चेंजेस हैं एंड डेवलपमेंट्स हैं इनके बारे में उन लोगों ने कुछ भी शो हमें नहीं किया। दैट टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट, आई ऑलरेडी नो अबाउट द सब कॉन्टिनेंट कि आवर इंडिया इज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट्स वाई बिकॉज इट हैज ए सेपरेट लैंडमार्क, ओके, नॉट जस्ट एज ए कंट्री, इट्स हैज ए सेपरेट लैंडमार्क, दैट इज वाई वी कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, सो गो अहेड कि इन द सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने जितने भी अपने इकोनॉमिक चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए और अपने जो कल्चरल चेंजेस हुए उनके बारे में उन्होंने डिफाइन नहीं किया था। सो सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम थी उन्होंने फेस की। नाउ दिस आल्सो दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर्स, और ऑन द टाइम जो रूलर्स थे हमारे, जो किंग्स थे, उन्होंने जो उन्होंने उसको वहां रूल किया, तो उस रूल के अंदर उन्होंने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजियन के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन जज किया जो हमारे फेवर में नहीं था। नाउ इट डज नॉट कंसीडर, कंसीडर मीन्स यू कैन सी समझना, अंडरस्टैंड, कि उन्होंने ये भी हमें नहीं समझाया कि द लाइफ एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलर्स, कि जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस की, जो भी उन्होंने रूल्स किए उनको वेरीफाई भी उन्होंने नहीं किया। नाउ एंड द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स, और जो दूसरे लोगों के, जो दूसरे रिलीजन्स के जो पीपल्स थे, हु को एग्जिस्टेंट इन द सब कॉन्टिनेंट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब वो जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें सो मैनी रिलीजन्स पीपल्स लिविंग देयर टूगेदर, तो उनके जो बेनिफिट्स थे, उनके जो रिलीजन्स थे, उनके जो बिलीफ थे, उनके जो कस्टम्स थे, उनको भी इन लोगों ने वेरीफाई नहीं किया। सो माई डियर स्टूडेंट, these are the classification according to the periodization of history. I hope you understood these questions
Okay, now remaining part we will discuss our next video, and your assignment is you have to copy from the question answer into your fair notebook. Okay, remember this point, your handwriting should be in good calligraphy. Okay, till now, have a nice day.